मुझे लगा निशु भाई सब लोगों को लेके आ गए होंगे। सुबह हो रही है और मैं शूट पर हूँ, थोड़ा पैच वर्क रह गया था हमारा लास्ट सॉन्ग का। अब मुझे ना जुकाम सा हो रहा है, मैं ना नाक में पंचलन हो रही है। लैशेस उखड़ गए सारे, देख लो आप। डोंट डू लैशेस एक्सटेंशन एवर इन योर लाइफ। तो हम आए निशु भैया को लेने के लिए, एंड निशु भैया अभी रेडी हो रहे हैं, तो अब्बू सर वहीं चले गए। अब्बू सर ना सेम इसी तरीके से जहाँ पर मैं थी ना वहाँ भी आकर ना बैठ गए थे ताकि मैं जल्दी जल्दी तैयार हो जाऊँ। आज मेरा ये वाला शूट खत्म हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा पैच वर्क रह गया था, थोड़ा सा एक शॉट। एक अभी अबू भैया देख रही है ना, ये ठुक 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 करते रहे, सबको मार रही हो। क्या चाहिए? ये एक बार ये दिखा, माउंटेन ड्यू मैंने नहीं पी सुबह सुबह। उसने अमूल दूध इधर दिखा, ये देखा अमूल दूध दिखा ऊपर, अमूल दूध पी रही है यार ये। मैंने नहीं पिया आज तो, मुझे गाय का दूध नहीं मिला, ओरियो खा रहे हैं यार। भगवान ऐसा करी मुझे ही बना दो, मैं भी जा रहा हूँ गाड़ी के आगे। हम लोग आ चुके हैं आइस बिटी। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Natasha Jain. Welcome. So मैं जाती हूँ आज extensions कराने, and this is my OOTD. तो मैं अपने ये छोटे और बंदे नेल्स को अच्छे से करने जा रही हूँ। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद। कितनी गंदी लग रही है मेरी आंखें यार, एक्सटेंशन लड़ गए ना, लैशेस सारे गंजी हो गई मेरी आंखें अब। हेलो, ये तो ऑन लोगो लोग हैं यार। हेलो, बाप रे, बस ड्यूक, बस ड्यूक। हेलो ड्यूक, गंदी बात। सो गाइज, ये है वो लोकेशन जहाँ पर मैं अपने नेल एक्सटेंशंस कराने जा रही हूँ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और मैं आई हूँ रिधिमा रावत दी के पास। सो या ये इनका सेटअप है, यहाँ पर मेरे नेल्स एक्सटेंशंस होने वाले हैं। एंड आप लोग बहुत ऐसे लोगों को जानते हो जो कि सेलेब्स हैं और वो यहाँ पर आकर अपने नेल्स कराते हैं, मेकअप कराते हैं और डांस भी सीखते हैं। ये है ड्रिलर, ड्रिल मशीन नेल्स की है। ये बेसिकली नेल की जो अपर लेयर होती है ना, टॉप लेयर, जिसमें कुछ भी लगाओ, जैसे तुम्हारे नेल्स पे थोड़ा घी है तो ये उन सबको रिमूव कर देगा और थोड़ा सा एक टेक्सचर दे देगा, जिससे जो नेल है एक्सटेंशन है वो इजीली रिमूव, वो इजीली स्टिक हो जाए, रिमूव कर। सो गाइज, यहाँ पर मेरे नेल्स की जो अपर लेयर है उसको खुरोद के निकाला जा रहा है ताकि एक ऐसा टेक्सचर नेल्स पे बन जाए जिसमें हमारे स्टिकॉन्स अच्छे से पेस्ट चिपक जाए। सो यहाँ पर दी मुझे अपनी एक ब्राइड की फोटोज़ दिखा रही है जो कि क्रिश्चियन ब्राइड थी, वो मेकअप भी करती है ना, दैट्स वाई घूमी नहीं आ रही। इनकी वैसे ही शादी हुई जैसे उनकी होती है, सबके सामने इन्होंने किस भी किया नहीं, किस नहीं कह रही, वो मूवीज में होता है, सच में नहीं होता। अच्छा, सो मेरे नेल्स को टेक्सचर दे दिया एक ऐसा खुरदुरा सा, एंड सॉरी फॉर माय गंदे नेल्स। इसके बाद दीदी ने मेरे क्यूपिड्स को थोड़ा शेप दिया ताकि जो हमारे स्टिकॉन्स है वो अच्छे से पेस्ट हो जाए, हमारे पे बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गैप होगा तो वहाँ पर पानी घुसेगा जब हम कोई पानी वाली चीज़ों से कुछ काम करेंगे, है ना, तो हमारे स्टिकॉन्स क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। दैट्स वाई वो अच्छे से हमारे क्यूपिड्स पे एंड नेल्स पे काम कर रही हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले रिधिमा दी ने जो फेक नेल्स एक्सटेंशंस होते हैं ना उनको मेरी उंगलियों के हिसाब से
बॉक्स पर से निकाला कि मेरी उंगलियों पे कौन से फिट हो रहे हैं, एंड सबसे पहले हम इनको फिट करेंगे अपनी उंगलियों पे, देन हम इनके ऊपर एक्रेलिक लगाएंगे। तो रिधिमा दी, यहाँ पर जो नेल्स हैं वो मेरी उंगलियों पे स्टिक कर रही हैं, एंड जैसे हम लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो में नीचे से लगाया था ना, इन्होंने नीचे से नहीं लगाया, इन्होंने ऊपर से लगाया, आप लोग देख सकते हो। आई मीन टू से कि हम लोग बिल्कुल अपने जो रियल नेल होते हैं उसको कवर करके लगाते हैं ना एक्सटेंशंस, इन्होंने वैसे नहीं लगाए। देन उन्होंने नेल्स एक्सटेंशंस लगाने के बाद उनको कट किया अकॉर्डिंगली कि मुझे कितना चाहिए था, एंड उनको शेप दिया, और जितना भी डस्ट था नेल का वो सारा हटा दिया। देन उसके बाद उन्होंने मेरे हाथों पर एक्रेलिक लगाया, ये वाइट कलर का पाउडर आप लोग देख रहे हो ना साइड पे, ये पाउडर को एक लिक्विड के साथ मिक्स करते हैं, एंड देन वो ना एक ऐसा जेली जेली सा कुछ बन जाता है, एंड उससे हमारे नेल्स को शेप देते हैं। ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल मैजिकल लग रही थी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें देख रही थी, मेरे को नहीं पता था कि कैसे होते हैं नेल्स एक्सटेंशंस, तो आई वॉज इन्जॉइंग द होल प्रोसेस। वाओ, मैजिकल। सो इसके बाद भी दी ने मशीन से उसको अच्छे से शेप दिया, मेरे जो क्यूपिड्स थे उनको अच्छे से बिल्कुल इस तरीके से सेट किया कि वो फेक ना लगे। एंड मुझे ना इसमें नेल पेंट नहीं करना था, मुझे ये नेचुरल चाहिए थे, एंड दी ने भी मुझे सजेस्ट किया कि नेचुरली करो, क्योंकि मैं इन नेचुरल में अपनी नेल पेंट बदल बदल के लगा सकती हूँ, जो वो परमानेंट वाली जो एक्सटेंशन वाले लगाते हैं उनको चेंज नहीं कर सकते। या यहाँ पर मेरे नेल सूख रहे हैं। तो गाइस, मेरे नेल्स हो चुके हैं और मैंने ना नेल पेंट नहीं कराया, क्योंकि रिधिमा दी ने मुझे गाइड किया कि मैं इनके ऊपर नेल पेंट लगा सकती हूँ, तो मैंने सोचा परमानेंट क्यों लगाना है ना। तो मेरे नेल्स कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं और मुझे ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, और रिधिमा दी ने बहुत अच्छे से लगाए। तो आप भी यहाँ ज़रूर आना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस और जितने भी ऑफर्स चल रहे हैं ना वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब मैं इनको ऐसे फ्लॉन्ट करूँगी और मैं दिखाऊंगी आप लोगों को फीडबैक कि कितने दिन चले और वर्थ है या नहीं है। एक लैशेस वाला तो आपने देखा होगा ना, लैशेस तो मत कराना जिंदगी में कभी, पर या नेल्स वाला मैं आपको बताऊंगी, अभी तो मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय। सो गाइज, नेल्स एक्सटेंशंस करवाने के बाद मैं आई हूँ अपनी बेस्टी से मिलने, एंड मैं आज इसको पार्टी दूंगी, क्योंकि मुझे मोमोज की क्रेविंग हो रही थी और मुझे चिकन सूप पीने का मन कर रहा है, तो मैं अकेले तो पी नहीं सकती, तो मैं इसको लेकर जाऊंगी। तमीज से चला ओबे, ओके, पागल हो गई है। तो मोनिका तीरी गई थी, तुझे मेरी याद नहीं आई कैसे आएगी? प्रियंका गई थी ना तेरे साथ? प्रियंका मेरे साथ गई थी, प्रियंका तीरी में थी। खा लिया मोमोज, अब हमें खाना है, अब हमें खाना है चिकन सूप, और यहाँ पे मिला नहीं, हम दूसरी शॉप में आए थे जहाँ हमने मोमोज खाए, वहाँ भी नहीं था चिकन सूप। अभी हम चिकन सूप ढूंढेंगे, फिर हम वो पियेंगे, मेरे को पीना है, मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है। तो इस बहुत सारी शॉप में घूमने के बाद हमें मिली है ये शॉप जहाँ पर सूप मिल रहा है, तो हम यहाँ सूप पियेंगे, एंड आई एम हेटिंग माई आईज, क्योंकि मेरी आंखों में बिल्कुल बाल नहीं है। कैसे आएंगे मेरी आंखों पे बाल मोनिका, प्लीज बता। मैं तो अब नोटिस कर रही हूँ, गंजी झोपड़ी कुछ कह रही, गंजी कोई बात नहीं, आ जाइए। देख है, वैसे है, देख है, तू उसमें कैस्टर ऑयल लगा, टूटे टूटे हैं, कैस्टर ऑयल लगा। ये आ गया हमारा चिकन सूप, मेरे लास्ट चिकन सूप शायद पीने के।